मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि 29 जून को पाकिज़ा टावर के पास से एक ठेला गाड़ी जिस पर बर्तन रखे हुए थे वो चोरी हो गया था और उसका सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का उसको ले जाते हुए नज़र आया। उसके साथ में एक कुर्ता पैजामा और टोपी पहने हुए एक शख्स भी नज़र आ रहा है। जिस खबर के चलने के बाद हमसे कुछ लोगों ने मुलाकात की है और जो शख्स उसमें टोपी कुर्ते में नज़र आ रहा है वो कारी आफ्ताब आलम अपने आप को बता रहा है। उन्होंने बताया है कि उस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो उसी बच्चे की मदद कर रहा था। इस बारे में जिसने शिकायत की है, अनवर पेंटर से भी हमने बात की, उन्होंने भी उसका खुलासा किया है। फिलहाल अनवर पेंटर ने इस घटना की जानकारी मुमरा पुलिस को दी और मामला दर्ज कराया था और आगे की जाँच भी मुमरा पुलिस करी। क्या कुछ कहा इस मौके पर कारी आफ्ताब आलम ने और शिकायतकर्ता अनवर पेंटर ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैंने न्यूज़ चैनल के द्वारा पहले जो इंटरव्यू दिया था कि भाई मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, तो आज मुझे एक कॉल आया कि सब जगह न्यूज़ चैनल पहुंच गया उनके ज़रिए, फिर किसी ने देखा कि भाई गाड़ी यहाँ चन्नीपाड़ा रोड पर खड़ी थी, तो मुझे कॉल आया कि बोले अनवर भाई तुम्हारी गाड़ी खड़ी है और आके देख लो, ये गाड़ी आपकी है। तो मैं जाके जगह पे गया और गाड़ी देखा तो गाड़ी मेरी है। और उस इससे पहले न्यूज़ जो चली थी कि उसमें एक टोपी पहने और दाढ़ी रखे मौलाना है, तो वो एक गफलत में आ गए थे। और उसमें कैसा है कि पहले जो न्यूज हमने अकेले में दिया था, एक इंटरव्यू दिया था कि उसमें एक टोपी पहने और दाढ़ी रखे मौलाना कुर्ता पैजामा थे, तो वो कैसा है कि वो एक गफलत में आ गए थे। अभी जैसे कोई भी एक जगह कुछ हो जाता है तो उसमें सबका फ़ोटो आ जाता है, लेकिन सब आरोपी नहीं होते हैं। एक शक हो जाता है कि यार ये मौलाना वहाँ पे इनकी हेल्प किया। तो आज मौलाना साहब मेरे पास में खड़े हैं, मौलाना साहब ने भी हमको फ़ोन करके बुलाया, उनके कुछ दोस्तों ने भी बुलाया कि अनवर भाई इधर आ जाओ, जो वीडियो में तुमने मौलाना को बतलाया था वो खड़े हुए, तो ये मौलाना साहब खड़े थे। तो मैंने देखा 4-5, 8-10 मौलाना और भी खड़े थे, तो उन्होंने मुझे इनकी सच्चाई दास्तां बताया। देखो, शक के आधार पर ये सही है कि कोई भी देखेगा तो शक मौलाना पे करेगा, लेकिन ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ कि मौलाना साहब एक फ़ोन कर रहे थे, खाली वो बच्चे की है ना, बच्चा बोला होगा कि भाई ये गाड़ी ज़रा मुड़ा दो, तो मौलाना साहब ने बस यही किया और कुछ भी नहीं है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो जो भी हमारी न्यूज़ चलाई है उनके ज़रिए हमको बहुत फ़ायदा हुआ है और मेरी गाड़ी उनके ज़रिए, न्यूज़ चैनल के ज़रिए मेरी गाड़ी मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। मैंने आरोप नहीं लगाया, ऐसा नहीं है कि मौलाना ही चोरी किया, आरोप नहीं लगाया, ये तो एक शक के दायरे पर आ गए थे, लेकिन इन्होंने जब फ़ोन किया मौलाना साहब ने और उनके दोस्तों ने फ़ोन किया कि अनवर भाई तुम इधर आओ और जो मौलाना का फ़ोटो आया है वो हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। मैंने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया कि मौलाना ही चोरी किया, लेकिन एक गफलत में खड़े रहते हैं तो वो फ़ोटो आ जाता है तो शक के आधार पर उनको भी गिना जाता है कि गया था, उसको भी हम लोग ढूंढने की तलाश है कि वो बच्चा ही गाड़ी ढकेल के लेके गया कौसा साइड, वो बच्चा ही पूरी अकेले गाड़ी लेके गया। कौसा मार्केट में मिली थी गाड़ी, कौसा मार्केट के आगे चन्नीपाड़ा रोड है, उसके मार्ग पे मिली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब आलम। हम वहाँ तनवर नगर से निकल करके जा रहे थे शिलफाट, तो बारिश की वजह से थोड़ा जो है वहाँ रुक गए। रुकने के बाद फिर कॉल आ गई घर से, तो बात करने लगे हम, बात करते करते ऐसे ही जो है वहाँ पहुँच गए, तो वो बच्चा जो है ठेला ढकेल रहा था तो ढकेल नहीं पा रहा था, तो कह रहा अंकल जो है ये ठेला पत्थर यहाँ नीचे लगा है, बस उतना ही किया, बाकी मुझसे कोई मतलब नहीं, कौन है कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं। आपको जब ये मालूम ही नहीं पड़ा कि ये चोर है कौन है, बस ऐसे ही आम बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही था वो, नहीं पत्थर रख दो नीचे बस, मैंने खाली हेल्प किया उसको। आप रहते हैं? हाँ, अपने नहीं नहीं मैं बात कर रहा था फ़ोन पे, लंबी गुफ्तगू किया घर पे, बाकी कुछ भी उसकी हेल्प जो है बच्चे होने की वजह से हमने किया था, वरना ज़रूरत भी नहीं, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ना उसको जानता ही नहीं, कुछ भी नहीं जानता।